हेलो दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं समसामयिक की घटना चक्र में। तो इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे हम लोग योजना एवं परियोजनाओं से संबंधित। इसमें बात करने वाले हैं ऑपरेशन एवं अभियान। ठीक है, याद रखिए इससे पहले जितने भी हम लोग चैप्टर खत्म कर चुके हैं वो आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सूची में समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से सूची बनी हुई है। ठीक है, याद रखना उसी में डलेंगे। तो ऑपरेशन अभियान, तो बात करते हैं मिलन 2020। द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेन अभ्यास है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, हैंड इन हैंड 2019, भारत चीन की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास उमरोई मेघालय में आयोजित होगा। फिर डस्ट लेक 2019, भारत उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास चिर चिक टेनिंग एरिया ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। ठीक, फिर है अभ्यास शक्ति 2019, भारत फ्रांस की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ है। फिर धर्म गार्जियन, भारत जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत के वरेंगते मिजोरम स्थित काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में आयोजित किया गया। फिर सैन्यु मैत्री अभ्यास, याद रखना भारत एवं जापान की वायुसेनाओं के मध्य द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास वायुसेना स्टेशन अर्जन सिंह पनागढ़ पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं सुदर्शन चक्र वाहिनी अभ्यास 2019, जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया। इस युद्धाभ्यास में सेना द्वारा अग्नि मिसाइल और तोपों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। फिर भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना साझा गश्त कॉरपेट 2019 दूसरा संस्करण उत्तरी बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। इस 2 दिवसीय साझा गश्त के बाद भारत पाक बांग्लादेश द्विपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित हुआ। वज्र प्रहार 2019, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ज्वाइंट बेस लेविस मैक्स मैककोर्ड सेटल अमेरिका में आयोजित किया गया। एक्यूवेरिन 2019, तो भारत एवं मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑन मिलिट्री स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। नोमेडिक नोमेडिक एलिफेंट 2019, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वकलोह मंगोलिया में आयोजित किया गया। ठीक है, याद रखना कजिंद, यह भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया। ठीक है, फिर अभ्यास मालाबार 2019, भारत अमेरिका और जापान के बीच त्रिपक्षीय नौसैन्य समुद्री अभ्यास का 23वां संस्करण जापान के निकट आयोजित किया गया। ठीक है, यह हुआ 26 सितंबर से 4 अक्टूबर 2019 के। बात करते हैं भारतीय सैन्य अभ्यास हिम विजय, अरुणाचल प्रदेश में 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण 7 से 10 अक्टूबर 2019 के बीच, दूसरा चरण हुआ 20 से 24 अक्टूबर 2019 के बीच पूर्वोत्तर राज्य में। इस तरह का यह पहला सैन्य अभ्यास है। बात करते हैं युद्ध अभ्यास 2019, भारत और अमेरिकी सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास है, ज्वाइंट बेस लुइस मैककॉर्ड वॉशिंगटन में आयोजित हुआ है। स्लिनेक्स 2019, तो सिर्फ भारत और श्रीलंका के मध्य नौसैन्य अभ्यास विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एवं बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। ठीक है, फिर ऑपरेशन नंबर प्लेट, रेलवे सुरक्षा बल RPF द्वारा देश भर के रेलवे स्टेशनों पर पार्किंग क्षेत्र में एक या अधिक दिन से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु
चलाया गया विशेष अभियान है, फिर गरुड़ 6 2019। तो याद रखना ये भारत और फ्रांस की सेनाओं वायुसेनाओं के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास है। फ्रांस की वायुसेना बेस मोंट डी मार्सन में आयोजित हुआ है। बात करते हैं ऑपरेशन थर्स्ट। रेलवे परिसर में अनाधिकृत ब्रांड वाली पानी की बोतलों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा चलाया गया एक देशव्यापी अभियान था जी, ठीक है, 8-9 जुलाई 2019 को। ऑपरेशन सनराइज 2 मणिपुर नागालैंड असम में सक्रिय कई आतंकवादी समूहों को खत्म करने के उद्देश्य भारत और म्यांमार की सेनाओं द्वारा चलाया गया एक समन्वित अभियान है, ठीक। अगला 8-8वां भारत म्यांमार समन्वित गश्ती द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास 2019। भारतीय एवं म्यांमार की नौसेनाओं के मध्य अंडमान निकोबार में संपन्न हुआ है, ठीक है, याद रखना। फ्रेश सिम्बैक्स 2019। तो ये भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर में हुआ है, याद रखना। फ्रेक ग्रुप सेल ये हुआ है भारत अमेरिका जापान और फिलीपींस की युद्ध पोतों ने दक्षिण चीन सागर में नौसेना अभ्यास ग्रुप सेल में भाग लिया है। फ्रेम मित्र शक्ति 2019, याद रखना। छठा भारत श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास बदुल्ला जिला श्रीलंका में आयोजित किया गया 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 के लिए। फिर 33वां कॉर्पेट 2019। तो याद रखना भारत इंडोनेशिया समन्वित निगरानी द्विपक्षीय समुद्रिक अभ्यास का शुभारंभ पोर्ट ब्लेयर भारत में किया गया, जबकि इसका समापन बेलावन इंडोनेशिया में आयोजित हुआ है, ठीक है। शुरू हुआ था ये भारत में पोर्ट ब्लेयर में 19 से 21 मार्च तक 2019, और ये समापन हुआ इंडोनेशिया में 1 से 4 अप्रैल 2019 तक। एफी इंडेक्स 2019। अफ्रीका भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास ऑन दी मिलिट्री स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया 18 से 27 मार्च 2019 तक। फिर अल नगाह है 2019। तो ये याद रखना तीसरा भारत ओमान द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जेबेल अल अखदार पहाड़ी ओमान में आयोजित हुआ है, ठीक। फिर संप्रीति 2019। तो भारत और बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास तंगेल बांग्लादेश में आयोजित किया गया 2 मार्च से 15 मार्च 2019। फिर कोबरा गोल्ड सैन्य अभ्यास 2019 के बीच। तो याद रखना अमेरिका एवं थाईलैंड की सेनाओं के बीच बहु राष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास फितसानुतोन प्रांत थाईलैंड में आयोजित किया गया। फिर इंद्र नेवी 2018। तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच वार्षिक समुद्री अभ्यास का 10वां संस्करण विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। फिर अभ्यास स्कोप इंडिया 2018। भारत और अमेरिकी वायुसेना के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का चौथा संस्करण पश्चिम बंगाल भारत में हुआ है, याद रख, ठीक है। फिर युद्ध अभ्यास कोंकण 2018। भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास गोवा में हुआ है। तो याद रखना इस इन अभ्यासों में किन किन के बीच हुआ है, ये इतना पॉइंट याद रखना, और फिर कौन सा है और कहाँ हुआ है, ठीक। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे नौसेना अभ्यास या सैनिक अभ्यास। अब बात करेंगे आयोग और समितियों के बारे में आगे, ठीक।